आज की इस वीडियो में हम कंट्रास्ट बाथ थेरेपी यानी हॉट एंड कोल्ड थेरेपी की बात करेंगे, जो कि हमारी बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में हो रही अकड़न, पेन, इन्फ्लेमेशन और सूजन में बहुत ज्यादा फायदा करती है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये थेरेपी होती क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करती है, किस तरह से ये अपना इफेक्ट डालती है, इसको आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में ये ज्यादा फायदेमंद होती है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हमारी कुछ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में पेन, सूजन और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, इनको कम करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यानी कि हॉट एंड कोल्ड करने के लिए बताते हैं। वैसे तो ये थेरेपी बहुत ही पुरानी थेरेपी है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये एक नई चीज़ हो, आप लोग शायद इस थेरेपी से अनजान हो, तो इस वजह से आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये होती क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करती है, किस तरह से ये अपना इफेक्ट डालती है, किन किन कंडीशंस में इसे हम कर सकते हैं, यानी कि किन किन कंडीशन में ये ज़्यादा फायदेमंद होती है, और घर बैठे आपको कैसे ये थेरेपी करना चाहिए, यानी इसको करने का सही तरीका क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉन्ट्रास्ट बाथ हॉट एंड कोल्ड थेरेपी को कहते हैं, यानी बॉडी के जिस हिस्से की थेरेपी करनी होती है उसको बारी बारी से गर्म और ठंडे पानी से सिकाई की जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार रिपीट किया जाता है। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को जब हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो उस पार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियां होती हैं, वो खुलती हैं, डायलेट होती हैं, यानी कि गर्म पानी की सिकाई वेजो डायलेटर का काम करती है। और इसी के उल्टे जब हम अपने बॉडी के किसी पार्ट को ठंडे पानी से कोल्ड थेरेपी करते हैं यानी कि आइस पैक लगाते हैं, तो उस पार्ट की जो खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सिकुड़ती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, यानी कि आइस पैक ठंडे से सिकाई वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। जब ये दोनों चीजें यानी कि गर्म पानी की सिकाई और बर्फ की सिकाई एक साथ करते हैं यानी कि कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं, तो हमारे खून की नलियां, हमारी ब्लड वेसल्स एक बार खुलती हैं, एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार ओपन होती हैं, एक बार सिकुड़ती हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक तरह से पंपिंग का काम करता है हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारे खून की नलियों में, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहां हमें पेन, इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है वहां पर जब ब्लड का फ्लो इस तरह से होता है यानी कि ब्लड पंप करने लगता है तो हमारी हीलिंग बहुत ही फास्ट होती है और बहुत जल्दी हमें हमारी कंडीशंस में रिलीफ मिलता है, आराम मिल जाता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी करने के लिए आप दो अलग अलग बर्तन लेकर बैठ जाएंगे। आप बाल्टी ले सकते हैं, आप टब भी ले सकते हैं। एक बाल्टी में आप गर्म पानी रखेंगे, गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें, जलने का कोई खतरा ना हो। थेरेपी करने से पहले आप अपने हाथ को डिप करके चेक कर सकते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, जलने का कोई खतरा तो नहीं है। इसी तरह ठंडा पानी जो होगा वो चिल्ड वाटर होगा। सपोज आपको अपने फुट की कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी करनी है, मान लीजिए आपको प्लांटर फेशियाटिस है, क्योंकि प्लांटर फेशियाटिस में कॉन्ट्रास्ट बाथ बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो आप अपने फुट को पहले गर्म पानी वाले बर्तन में यानी गर्म पानी में डिप कर लेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि पूरी तरह से फुट या वो पार्ट जिसको आपको थेरेपी करने पूरी तरह से डिप हो जाए। गर्म पानी से इस थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में इसको 4 से 5 मिनट डिप करके रखेंगे, फिर उसके बाद आप फौरन निकाल के चिल्ड वाटर में यानी ठंडे पानी में इसको डिप करेंगे। याद रहे ठंडे पानी में सिर्फ 1 मिनट तक डिप करके रखना है, फिर उसके बाद आप वापस गर्म पानी में ले आएंगे। अब आपको गर्म पानी 2.5 से 3 मिनट ही डिप करके रखना है गर्म पानी में, फिर इसके बाद फौरन आप ठंडे पानी में ले जाएंगे, ठंडे पानी में सिर्फ 1 मिनट रखना है। ठंडे पानी से वापस इसको गर्म पानी में लाएंगे, 2.5 से 3 मिनट गर्म पानी में रखेंगे, फिर उसके बाद ठंडे में ले जाएंगे, 1 मिनट रखेंगे, फिर वापस लाएंगे, 2.5 से 3 मिनट गर्म पानी में रखेंगे। इस तरह से 20 से 25 मिनट या 30 मिनट ये थेरेपी करनी है। एक बात याद रहे कि गर्म पानी से स्टार्ट करना है और गर्म पानी में ही खत्म करना है, यानी कि पहली बार जो डिप करेंगे वो गर्म पानी में रहेगा और आखिरी बार जो डिप करेंगे वो भी गर्म पानी में रहेगा। क्योंकि ये थेरेपी 20 से 30 मिनट लंबी है तो इस वजह से गर्म पानी थोड़ा ठंडा हो सकता है, यानी कि गर्म पानी की जो गर्माहट है वो बरकरार न रहे, तो इसके लिए आप इसमें बीच बीच में गर्म पानी डालते रहिए ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। और इसी तरह जो ठंडा पानी है
ये भी शायद उतना ठंडा न रहे तो आप इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट बाथ ज्यादा फायदेमंद होती है, किन किन कंडीशन में हमें कॉन्ट्रास्ट बाथ करना चाहिए। प्लांटर फैशियाटिस यानी कि पैर के तलवे का दर्द, एंकल स्प्रेन यानी कि टखने की मोच, ज्वाइंट स्टिफनेस यानी कि जोड़ों की अकड़न, रिमेटाइड आर्थराइटिस, किसी भी तरह का मसल स्पाज़म, ज्यादा काम कर लेने के बाद पैरों में हो रही थकन में आराम दिलाता है, एथलीट्स या खिलाड़ियों में खेल कूद के बाद पैरों या हाथों में जो थकावट होती है उसमें कॉन्ट्रास्ट बाथ बहुत रिलीफ करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।